सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं देख रहा हूँ टीवी, क्योंकि मैं आया हूँ अपने मामा के घर पे, तो कोई काम धंधा तो है ही नहीं। गर्मी की छुट्टी है तो मैं एकदम एंजॉय कर रहा हूँ। फिर मैं किचन में देखता हूँ तो मेरी बहन बनाती है मैगी, जो कि मैंने ही कहा था मेरे, तो वो ढेर सारा मैगी बनाती है सबके लिए। और मैं भी अपना थोड़ा सा योगदान दे देता हूँ, मुझे हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता, तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर लेता हूँ। फिर हेल्प करके मैं वापस चला जाता हूँ टीवी देखने के लिए, क्योंकि आ रही थी पुष्पा राज, लेकिन मामा जी पिक्चर बदल देते हैं। सो मैं उठ के वहाँ से चला जाता हूँ मैगी का मसाला खाने के लिए। ये हरकत आप लोग भी ज़रूर किए होंगे कभी ना कभी, मैं लिख के देता हूँ। फिर मैं बोर हो रहा था, क्या ही करता, मूवी पुष्पा राज बदल चुकी है, तो मैं सो गया। फिर मैं दोबारा जाता हूँ किचन में, तब तक मैगी बन चुका था आधा, पूरा नहीं। फिर उसके बाद मामा जी मुझे बुलाते हैं, लेकिन चल कुछ और ही रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम लोग का मैगी आ जाता है, और सही बताऊँ तो मैगी बहुत 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 बढ़िया बना था, मज़ा आ गया। मैंने कहा मुझे और खाना है। सो बाद में फिर से बनेगा तो मैं व्लॉग में ज़रूर डालूँगा। सो मैगी खाते खाते मैं सीरियल देख रहा था, उसमें एक को चश्मा लगा के आती हैं, जो कि उस सीरियल की दोस्तीन रहती हैं, उनको देख के मैं डर जाता हूँ, तो मैं जाके ऊपर सो जाता हूँ। फिर अगली सुबह उठता हूँ, और सही बताऊँ तो बहुत मज़ा आ रहा है, ना कोई काम है ना कोई कुछ है, बस मैं मज़ा कर रहा हूँ मामा जी के घर पर। फिर मैं ब्रश करके पलंग पर बैठता हूँ, लेकिन तभी मेरी नज़र ही नीचे, जो कि अंकल जी साफ कर रहे थे ये, और ये देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ MS धोनी की तरह कि मेरा ज़िंदगी में कुछ हो पाएगा कि नहीं। आप मूवी में देखे होंगे, उसके पास तो सर थे, मेरे पास तो कोई है नहीं, तो मैं भगवान से ही कह देता हूँ बादल देखते देखते, और मैं काफ़ी सालों बाद बादल देख रहा था, बड़ा खुश लग रहा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।